हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। देखिए, यूपी पीसीएस की वैकेंसी आ गई है, तो यूपी पीसीएस के फॉर्म को हम लोग देखेंगे कैसे भरना है। कुछ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी रहती है, उस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग फटाफट इसमें देखेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन वाले मेन्यू बार में जाना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया विंडो खुलेगा और इस विंडो में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, स्टार्ट डेट क्या है। तो 21 अप्रैल से ये फॉर्म खुल चुका है, 18 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फीस डिपॉजिशन की लास्ट डेट रहेगी और फॉर्म की फाइनल सबमिशन की डेट है 21 मई की है, ठीक है। बाकी कुछ यूजर इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं, एडवर्टाइजमेंट दी गई है। एडवर्टाइजमेंट हम लोग इस फॉर्म को फिल करने के बाद देखेंगे क्या चीज है। फिलहाल फॉर्म को फिल करते हैं, आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको एक नया विंडो नीचे ही खुल के आ जाएगा। इसमें आपको बता देगा पे स्केल के बारे में, 5400 ग्रेड पे के बारे में बता देगा, फिर लोअर एज, अपर एज ये बता देगा, फिर बता देगा कि देखिए नंबर ऑफ पोस्ट अभी फिलहाल 200 आ रखी है, बाकी इसके आगे इनकी संभावना काफी ज्यादा है कि आगे पोस्ट बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ पोस्ट को बढ़ जाने की काफी हाई चांसेस है। बाकी आप आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके की एक विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपसे पूछा जाएगा क्या आपने पहले कभी आवेदन किया है, तो अगर किया है तो यस क्लिक करिएगा, नहीं किया है तो नो करिएगा, कोई अंतर नहीं है। यस करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आपने अपना नाम पता पहले भरा होगा वो सारा नाम पता आपको पहले से ही लिख करके आ जाएगा, तो आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लोग पहली बार कर रहे होंगे उनको मेहनत करने की जरूरत है, तो मेहनत करते हैं, चलते हैं। अब देखिए, जब आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है। बाकी आपको बता देगा ये सब इन्फॉर्मेशन कि आपकी जो एज की कैलकुलेशन की जाएगी वो 1 जुलाई 2020 से की जाएगी। तो इस दौरान से आपको 21 साल और 40 साल देखना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बाकी देखिए, एग्जामिनेशन के बारे में है, अगर आप साइंस के ग्रेजुएट हैं तो आप एसीएफ फॉरेस्ट का भी फॉर्म भर सकते हैं, और अगर नॉन साइंस के हैं तो आर्ट्स वगैरह के हैं तो आप केवल पीसीएस भर सकते हैं, और जो लोग दोनों इच्छा रखते हैं दोनों भर सकते हैं। दोनों पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट का नाम, आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, तो अगर आपका नाम जो भी है वो आप नाम भर दीजिए। फिर उसके बाद से अपने फादर का नाम भरेंगे, फादर का नाम या फिर हस्बैंड का नाम, जो भी आपका नाम लिखना है। अगर आप मैरिड हैं तो आप हस्बैंड का नाम लिखेंगे, और नहीं तो अपने फादर का नाम लिखेंगे। तो हम लोग फादर का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर फादर का नाम आप लिख सकते हैं कि कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप डोमिसाइल के बारे में बताएंगे, अगर आप 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा अगर यूपी में रहे हैं और आपके पास अगर प्रूफ है, प्रूफ का मतलब या तो आप रेंट एग्रीमेंट दिखाइए या फिर आप पोस्टपेड का बिल दिखाइए, कुछ ना कुछ ऐसा दिखाइए जो आपको पता लग जाए कि 6 महीने से आप यूपी में रहे हैं। अगर आप यूपी में क्लिक करेंगे, इसको यस करेंगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और खुल के आ जाएगी, जैसे फ्रीडम फाइटर के बारे में आ जाएंगे। तो फ्रीडम फाइटर है अगर तो आप भरते जाइए, नहीं तो अदरवाइज नहीं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। हैंडीकैप्ड के बारे में, अगर फिजिकली डिसेबल्ड अगर हैं तो यस करिए, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितना परसेंटेज है, क्या चीज है। और बाकी अगर स्किल्ड प्लेयर हैं तो आप भर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी सी डिजायर हो जाती है, डिजायर्ड मिल जाती है, एसेंशियल नहीं होता है, डिजायर्ड पोजीशंस, तो आपको थोड़ा सा फेवर मिल जाता है। बाकी अगर आप यूपी स्टेट के इम्प्लॉय हैं तो यस भर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, अगर मान लीजिए आपको कभी यूपी पीसीएस से कभी भगाया वाया गया है, डीबार किया गया है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में चिटिंग मिटिंग मत करिएगा, बहुत मुसीबत हो जाती है। बाकी इसके बाद देखिए कैटेगरी के बारे में, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो जो भी आपकी वर्ग है वो भर दीजिए आप, उसके हिसाब से सर्टिफिकेट का नंबर वगैरह पूछा जाएगा तो आप उस चीज अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप हमेशा लेटेस्ट सर्टिफिकेट रखिए, ठीक है। तो लेटेस्ट सर्टिफिकेट का मतलब 3 सालों के अंदर अंदर का सर्टिफिकेट रखिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो अगेन यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, तो बाकी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे लिख के इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। बाकी आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप भर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज ऑल द थिंग इज, ठीक है। जेंडर आप अपना भर दीजिए, जो भी जेंडर है आप, ठीक है। फिर उसके बाद से पूछा जाएगा कि आप मैरिड हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर आप अपना भर दीजिए, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप भर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर आप सही भरिएगा, अदरवाइज जो होती है मुश्किल हो जाएगी, क्लियर। बाकी इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी भर सकते हैं, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो सब अपना भर दीजिए। ईमेल आईडी भरने के बाद आपको क्या है, हाई स्कूल का नाम नंबर ये सब पूछा जाएगा, भर दीजिएगा। इंटरमीडिएट का नाम नंबर पूछा जाएगा, भर दीजिएगा। फिर उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा क्या आप ग्रेजुएट हो गए हैं या नहीं हुए हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यस भरिएगा, अगर ग्रेजुएट नहीं है तो नो भरिएगा, ठीक है। मतलब ग्रेजुएट होने वाले हैं, अबाउट टू है, मतलब सर्टिफिकेट मिलने वाला है तो ही, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं बन पाते हैं।
बाकी आप यहां पर कैप्चा भरेंगे, कैप्चा भर के आप वैलिडेट करिएगा, वैलिडेट करने के प्रीव्यू आ जाएगा, प्रीव्यू करने के बाद आप वैलिडेट करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको एक नए विंडो में इस तरीके से ओपन कर देगा जहां पर आपको बताएगा कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहां से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद आपको आगे अब बढ़ना है फी पेमेंट की ओर। अब आप फी पेमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से आपको अब क्या है, फी पेमेंट की रिसिप्ट जो होती है सबसे नीचे दिखाई देगी। फी टू बी डिपॉजिटेड ₹125 का पेमेंट रहेगा अगर आप मतलब वुमेन नहीं है तो। बाकी इसके बाद फी पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपसे पूछ देगा क्या डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है नहीं है, क्या चीज है, चेंज करना है नहीं करना है, सब कुछ आपको यहां पर पूछा जाएगा। इफ यू वांट टू चेंज डोमिसाइल देन क्लिक यस अदरवाइज नो। बाकी उसके बाद जो होता है नो क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमें सीधे अब पेमेंट करनी है। तो देखिए आपको इस तरीके का विंडो इसके बाद दिख जाएगा जहां पर आपको सीधे सीधे पेमेंट करने के बारे में पूछ लिया जाएगा। आप सीधे इसको क्लिक करके डायरेक्ट पेमेंट पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जब आप फी पेमेंट कर लेंगे तो उसके बाद से आपको सेकंड पार्ट भरने को आएगा। आप वहां पर सेकंड पार्ट जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ये विंडो खुल करके आ जाएगी। आप इस विंडो में देख सकते हैं कि आपको फोटो साइन फोटो और सिग्नेचर के बारे में अपलोड करने के बारे में बोल रहा है। अपलोड करेंगे आप लोग फटाफट यहां पर और अपलोड करके फिर आगे बढ़ते हैं। फोटो अपलोड करने के बाद आपको इस तरीके की विंडो खुल जाएगी जहां पर आपसे बोला जाएगा क्या आप डिक्लेयर करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। आप फिर डिक्लेयर कर देंगे यस कर देंगे आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा यहां पर क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, सब कुछ देख लीजिएगा सही है कि नहीं है। सही नहीं है तो फिर से फॉर्म भरिएगा और क्या किया जा सकता है। और खैर बाकी इसके बाद यहां पर आप भर सकते हैं कि आर यू ग्रेजुएट, आपने बता रखा है यस। आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट तो भर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भर सकते हैं। बाकी देखिए यहां पर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट मतलब ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कौन सा था ये बताना है आपको। यहां पर आपको कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह नहीं बताना, आपको बताना है ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट। तो जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है वो आप बता दीजिए यहां पर, जो भी जैसा भी रहा है। क्लियर। अब देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर जो सबसे ज्यादा इस समय प्रॉब्लम में लोगों के है कि फॉर्म में ये क्या चीज है। देखिए यहां पर सारी वैकेंसी आपके लिए नहीं है, सामान्य वैकेंसी नहीं है, ये कुछ जनरल वैकेंसीज है, स्पेशल वैकेंसीज है। जैसे ये केवल और केवल वही भर सकते हैं जो लॉ ग्रेजुएट है। अगर आप लॉ ग्रेजुएट है तो आप इसको यस कर देंगे। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है तो आप इसको यस कर देंगे। अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसको यस कर देंगे। अगर आप सोशल, अगर आप साइंस से किए और जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर फिजिक्स अगर आपका रहा है तो आप इसको यस करेंगे। आर्ट्स या सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स अगर सब्जेक्ट रहा है तो यस कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहां पर आपके पास कौन सा मतलब किसमें आपकी ग्रेजुएशन है। और अगर नॉर्मल है तब आप केवल और केवल सामान्य करेंगे। तो देखिए यहां पर अभी सामान्य की नहीं आई है, स्टैटिस्टिक्स की है, लेबर की है, CDPO की है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके इंफॉर्मेशन जो पूछे जा रहे हैं वो स्पेशल है। कोई भी इसमें जनरल वैकेंसी देखिए नहीं लिखा है। जनरल वैकेंसी अगर रहती है तो देखिए ये स्पेसिफिक क्वालिफाइंग फोर्स थ्रू रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू है। यहां पर जो जनरल होता है वो अपने आप आपका भर करके आ जाएगा। अब आपको यहां पर लिखना है क्या आप देवनागरी लिपि जानते हैं, तो आप बता देंगे यस नो जो भी आपको है। बाकी कैंडिडेट का एड्रेस, नेम एड्रेस यहां पर पूछा जा रहा है, तो आप अपना एड्रेस यहां पर फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिए डिक्लेरेशन और उसके बाद से फॉर्म प्रीव्यू देख करके आप सबमिट कर सकते हैं। यहां पर क्या है कि जो जनरल की जो वैकेंसी है वो जनरल मतलब कि जैसे SDM हो गई, DSP हो गई, ये देखिए सबके लिए ओपन होती है। तो ये यहां पर बोला नहीं जा रहा है, यहां पर लिखा हुआ नहीं है। आप इसको अपने आप मान के चलिए कि आप एलिजिबल हैं, आपका ऑलरेडी आवेदन हो गया है। तो आप बिल्कुल फटाफट इसको भर करके आप फटाफट जो होता है इसे सबमिट कर देते हैं। अब देखिए जब आप ये भर देंगे सारा कुछ तो आपसे एक छोटा सा कैप्चा मांगेगा, कैप्चा आप फटाफट फिल कर दीजिए। अब देखिए ये आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो गया है। योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आप प्रिंट आउट लेकर के इसका फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। समझ में आ गया क्या चीज है। अब हम लोग जरा देखते हैं जो इसकी नोटिफिकेशन में दी हुई चीजें थी। तो नोटिफिकेशन में देखिए आपको पहले सारी इन्फॉर्मेशन बता दिया है, सारी चीजें दे दिया है। बाकी इसके बाद आपको मतलब इसकी ग्रेड पे वगैरह बता दिए कि ग्रुप बी है, गैजेटेड है, बाकी के इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। और बाकी देखिए यहाँ पर कुछ खास सारे चेंजेस नहीं है, सारा कुछ वही है। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन का शेड्यूल वगैरह दे दिया है, मेंस के एग्जामिनेशन का शेड्यूल दिया है, फोटो वगैरह के बारे में बताया हुआ है। तो ये सारी की सारी आप चीजें देख सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं देखिए। और दिस इज जस्ट सिलेबस, ये बाकी आगे सिलेबस आ जाता है तो ऑलरेडी सिलेबस हम लोग चीजें देख सकते हैं। आप इसको डाउनलोड करके एटलीस्ट अपने पास रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दीज आर आवर डिटेल्स, यहाँ पर नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ली हुई है। बाकी इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी हमारी इन्फॉर्मेशन। यू कैन कॉल अस इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन ऑब्वियसली कॉल अस। बाकी सब चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। इसके अलावा देखिए हमारी कुछ सीरीज भी अवेलेबल हैं। ये हमारी सीरीज है, ये इसके जैसे PCS के लिए आप जो होता है प्रिपरेशन कर सकते हैं GS की बहुत आराम से। और इसके लिए हम लोगों ने प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज लॉन्च भी कर रखा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक भी दी हुई है और साथ ही आपको वीडियो के एंड में सजेशंस भी मिल जाएंगे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, अदरवाइज वी हैव फेस टू फेस क्लासेस इन द गोरखपुर सेंटर। गोरखपुर सेंटर में हमारी फेस टू फेस क्लास है, यहाँ पर आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आप तैयारी कर सकते हैं, बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड और होप कि आप बढ़िया करेंगे एग्जामिनेशन में। अगर कोई डाउट होता है देन ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टैक्ट अस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में, जो लोग भी वॉच आउट करते हैं उनके लिए।